Hello friends, welcome to Avishan Institute and good morning to you all. A very good morning to you all. तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम लेके आए हैं डेली डोज ऑफ वोकैबुलरी बेस्ड ऑन द हिंदू एडिटोरियल विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर बैंकिंग, SSC एंड ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स. तो आप चाहे बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे SSC की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर कोई स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए द हिंदू न्यूज़पेपर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो आज हम लोग लेके आए हैं, हम लोग रेगुलरली लेके आएंगे टॉप 10 वोकैबुलरी वर्ड्स विच आर वेरी एसेंशियल फॉर एनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स. तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सेशन को. तो पहला वर्ड है पर्लॉइन. पर्लॉइन जो है ये खुद एक वर्ब है, इसका मीनिंग है चुराना, स्टील समथिंग. सिनोनिम्स क्या है, सिमिलर वर्ड्स क्या है इसके? सिमिलर वर्ड्स है लूट, पिल्फर, स्टील, एम्बेजल. ये जो है इसके सिनोनिम वर्ड्स है. ऑपोजिट वर्ड्स क्या है, एंटोनिम्स क्या है? बेस्टो, कॉन्ट्रीब्यूट, डोनेट, परचेज. ये जो है इसके ऑपोजिट वर्ड्स है. अब सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे देख लेते हैं इस वर्ड को. समटाइम्स इट्स इम्पॉसिबल टू नॉट पर्लॉइन एन एक्सर्प्ट फ्रॉम अनदर पर्सन्स ब्लॉग. कभी कभी ये इम्पॉसिबल होता है टू नॉट पर्लॉइन, नहीं चुराना एन एक्सर्प्ट माने एक टुकड़ा फ्रॉम अनादर पर्सन्स ब्लॉग, किसी और पर्सन के ब्लॉग से. ऑलराइट, नेक्स्ट देख लेते हैं. नंबर 2 है ग्लोट. ग्लोट जो है ये खुद एक वर्ब है, इसका मतलब है आनंदित होना. सिर्फ आनंदित होना नहीं, अपने ऊपर आनंदित होना या किसी और के परेशानी के ऊपर आनंदित होना का मीनिंग है ग्लोट. तो मीनिंग यहाँ पे देखिए, ड्वेल ऑन वंस ओन सक्सेस और अनादर्स मिसफॉर्चून. किसी और के दुर्भाग्य के ऊपर खुश होना, इसका मीनिंग होता है ड्वेल, सॉरी ग्लोट. सिनोनिम्स क्या है, एग्जल्ट, रिजॉयस, रेलिश. ये सारे हो गए इसके सिमिलर वर्ड्स. ऑपोजिट वर्ड्स क्या क्या है, कॉमिसरेट, सिंपथाइज. ये सारे हो गए इसके ऑपोजिट वर्ड्स. सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? If you are the winner of a contest, you should not gloat and make your competitors feel inferior. तो अगर आप एक contest जीत चुके हो या आप एक contest के winner हो, तो आपको इतना आनंदित नहीं होना चाहिए अपने winning के ऊपर, अपने जीत के ऊपर, कि आप अपने बाकी जो competitors हैं उनको inferior feel करा दो, उनको छोटा feel करा दो. So this was gloat. नंबर 3 क्या है, नंबर 3 देख लेते हैं, जो है टिजी. टिजी जो है ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है घबराहट, अ स्टेट ऑफ नर्वस एक्साइटमेंट और एजिटेशन. सिनोनिम्स क्या क्या है, एक्रिमोनी, एनिमोसिटी, एनोयंस, चैग्रिन. एंटोनिम्स क्या क्या है, काम, कामनेस, डिलाइट, ईज. ये सारे हो गए इसके ऑपोजिट वर्ड्स. सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, हर मदर वॉज इन अ टीजी ओवर लिज़ डिवोर्स. तो लिज के डिवोर्स के ऊपर उसकी मम्मी को बहुत ही घबराहट हो रहा था. चलिए देख लेते हैं नंबर 4 क्या है. नंबर 4 है रेप्रोबेट. रेप्रोबेट जो है ये एक नाउन है, इसका मीनिंग है नीच. एन अनप्रिंसिपल्ड पर्सन, जिसके लाइफ का कोई प्रिंसिपल नहीं है, ऐसा कोई आदमी. सिनोनिम्स क्या है, रोग, स्काउंड्रल, विलन, रिच. ये सारे हो गए इसके सिनोनिम्स. एंटोनिम्स क्या क्या है, अपराइट, वर्चुअस, प्रिंसिपल्ड, राइटियस. ये सारे हो गए इसके ऑपोजिट वर्ड्स. सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, ऑल्दो द ओल्ड मैन प्रिटेंडेड टू बी अ रेप्रोबेट इन पब्लिक, इन प्राइवेट ही डिड अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स, गुड डीड्स फॉर द होमलेस. अब क्या हुआ, ये जो ओल्ड मैन है, ये जो ओल्ड मैन प्रिटेंड करता है, मतलब भान करता है, एक्टिंग करता है सबके सामने कि ये बहुत नीच आदमी है, लेकिन प्राइवेट में ये जो होमलेस लोग हैं, मतलब जिनके घर नहीं हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा अच्छा काम करता है.
चलिए देख लेते हैं नंबर फाइव क्या है। नंबर फाइव है रिडैक्ट। रिडैक्ट जो है ये एक वर्ब है जिसका मीनिंग है संपादित करना या फिर एडिट करना किसी टेक्स्ट को पब्लिकेशन के लिए। सिनोनिम्स क्या है? करेक्ट, रेक्टिफाई, रिपेयर, फिक्स, ये सारे हो गए इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या है? बीफाउल, डिटेरियोरेट, डिमिनिश, हिंडर, ये सारे हो गए इसके ऑपोजिट वर्ड्स। अब सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? सम ऑफ द कंक्लूशंस इन द रिपोर्ट हैव बीन रिडैक्टेड। तो रिपोर्ट में ऐसे कुछ कंक्लूशंस थे जिसको एडिट किया गया है। चलिए देख लेते हैं नंबर सिक्स। नंबर सिक्स है डाउनट्रॉडन। डाउनट्रॉडन जो है ये एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग है लतारा हुआ। अब ऑप्रेस्ड और ट्रीटेड बैडली बाय पीपल इन पावर। तो डाउनट्रॉडन वो लोग होते हैं जिसके जो लोग बहुत ही ज़्यादा बैडली ट्रीट किए जाते हैं पावर में, जो इंसान होते हैं पीपल इन पावर, जो लोग पावर में होते हैं, पावरफुल होते हैं वो लोग, जो लोग पावर में नहीं है या जो लोगों के पास पावर नहीं है, जो लोग गरीब है उन लोगों को बहुत ख़राब बिहेव करते हैं, ख़राब तरीके से उनके साथ बिहेवियर किया जाता है या ट्रीट किया जाता है उन लोगों को बैडली। तो वो लोग हैं डाउनट्रॉडन जिन लोगों के साथ बैडली ट्रीट किया जाता है। सिनोनिम्स क्या है? परसिक्यूटेड, एक्सप्लॉयटेड, रिप्रेस्ड, टिरनाइज्ड, ये सारे हो गए इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या क्या है? प्रोटेक्टेड, रिस्पेक्टेड, गार्डेड, फेवर्ड, ये सारे हो गए इसके ऑपोजिट वर्ड्स। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? हिज क्लेम टू बी अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डाउनट्रॉडन मासेस इज ऑफ कोर्स कंप्लीटली बोगस। मतलब ये जो आदमी है ये क्लेम करता है, मतलब दावा करता है कि वो जो है वो डाउनट्रॉडन लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब वो डाउनट्रॉडन लोगों को रिप्रेजेंट करता है, जो कि एक कम्प्लीटली बोगस बात है, जो कि एक बेसलेस बात है। चलिए देख लेते हैं नंबर सेवन क्या है। नंबर सेवन है रैवेनस। रैवेनस जो है ये खुद एक एडजेक्टिव है। अति पेटू इसका मीनिंग है हंगर और नीड, वेरी ग्रेट और वोरेशियस, बहुत ज़्यादा भूख, चाहे भूख खाने की हो चाहे किसी भी चीज़ की हो, ऐसा भूख जो ख़त्म नहीं होता है। सिनोनिम क्या है? इनसैटिएबल, ग्रीडी, ग्लूटोनस, इडेशियस, ये सारे हो गए इसके सिमिलर वर्ड्स। ऑपोजिट वर्ड्स क्या क्या है? कॉन्टेंट, सेटेड, सैटिएटेड और सेटिस्फाइड। अब देख लेते हैं सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। No matter what type of stressful situation I am facing, my body responds by eating everything in sight because of my ravenous appetite. तो no matter what type of stressful situation I am facing, ये कोई मतलब नहीं है इससे, चाहे मैं कैसे भी stressful situation से गुजर रहा हूँ, मेरा body जो है वो खाने को देख कर ऐसा react करता है, ऐसे respond करता है कि जो भी मैं देख लेता हूँ, एवरीथिंग इन साइट, जो भी मैं देख लेता हूँ मुझे वही खाने का मन करता है, बिकॉज ऑफ माई, कारण क्या है? रैवेनस एपेटाइट, मेरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इतना ही अच्छा है, इतना ही ज़्यादा अच्छा है कि मेरा एपेटाइट जो है वो रैवेनस है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ग्रेट है, बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी हूँ मैं। अब रैवेनस को आप रावण की तरह भूख लगने से भी रिलेट करके याद रख सकते हैं, तो ये वर्ड आप याद रख सकते हैं, रैवेनस मीन्स रावण की तरह भूख लगना। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट? नंबर एट जो है वो है इनकॉन्सीवेबल, जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग है अचिंतनीय और नॉट केपेबल ऑफ बींग इमेजिन्ड और ग्रास्प्ड मेंटली और अनबिलीवेबल, जो कि मेंटली हम लोग इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, इतना ही शॉकिंग चीज़ है या फिर बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। सिनोनिम्स क्या क्या है? इम्प्लॉजिबल, इम्प्रोबेबल, इनक्रेडिबल, इनकॉजिटेबल, ये सारे हो गए इसके सिनोनिम्स। ऑपोजिट वर्ड्स क्या क्या है? प्लॉजिबल, रीजनेबल, टेनेबल, कॉन्सीवेबल, ये सारे हो गए ऑपोजिट वर्ड्स। अब सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे देख लेते हैं। व्हेन आई लुक्ड एट माय आउटरेजियस हॉस्पिटल बिल आई ब्लिंक्ड एट द इनकॉन्सीवेबल अमाउंट। तो मैंने जब अपने हॉस्पिटल बिल की तरफ देखा
तो मैं देख के ब्लिंक किया क्योंकि मुझे ये जो अमाउंट है ये बिलीव नहीं हो रहा था। ओके, तो देख लेते हैं 9 क्या है। 9 इज डाइलेटरी और डिलेटरी, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ये जो है ये एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग है धीमा, स्लो टू एक्ट। सिनोनिम्स है स्लगिश, स्लॉथफुल, लैक्स, स्लैक। ये सारे हो गए सिमिलर वर्ड्स। ऑपोजिट वर्ड्स क्या क्या है, फास्ट, प्रॉम्प्ट, ब्रिस्क, क्विक। ये सारे हो गए इसके ऑपोजिट वर्ड्स। एग्जाम्पल क्या क्या है, दे वेर डायलेटरी इन प्रोवाइडिंग द रिसर्चर्स विद इंफॉर्मेशन। तो रिसर्चर्स को इन्फॉर्मेशन देने के लिए वो लोग बहुत लेट कर दिए, मतलब वो लोग बहुत धीमा काम कर रहे थे। ओके, तो देख लेते हैं हमारा लास्ट वर्ड क्या है। हमारा लास्ट वर्ड है अबिस्मल, जो कि है एक एडजेक्टिव जिसका मीनिंग होता है अति गहन या फिर ड्रेडफुल भी बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं एक्सेसिव बैड। सिनोनिम्स क्या है, ऑफुल, टेरिबल। ऑपोजिट वर्ड क्या बोल सकते हैं, सुपर्ब। सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं, द क्वालिटी ऑफ द वर्क शी डज इज अबिस्मल। तो वो जैसा काम करती है उसका जैसा क्वालिटी ऑफ वर्क है, जैसे काम का क्वालिटी जो है वो बहुत ही ड्रेडफुल है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बिल्कुल अच्छा नहीं है इसके इसका क्वालिटी ऑफ वर्क। तो चलिए हम लोग अपने क्लास के ख़त्म पे एंड पे आ गए हैं, यहाँ पे हम लोग ख़त्म करेंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये जो 10 वोकैब्स का सेशन है ये बहुत अच्छा लगा होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो हम लोग एवरी डे हम लोग 10 वोकैबुलरीज लेके आएंगे, विच विल बी बेस्ड ऑन द हिंदू एडिटोरियल्स, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो आपके जो रिलेटिव्स गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले। बेल आइकन को क्लिक नहीं करेंगे तो आपको ये रेगुलर अपडेट्स जो है नहीं मिलने वाले। तो मिस मत कीजिए हमारे रेगुलर वोकैब्स के सेशन को, ज़रूर देखिए हमारे रेगुलर वोकैब्स के सेशन को, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कोई प्रॉब्लम हुआ तो। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।